Harufix OnePlus 7 Pro कॉल हिस्ट्री नॉट शोइंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus की डिवाइस में कॉल हिस्ट्री नॉट शोइंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल का कॉल हिस्ट्री शो नहीं करते हैं, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिलेटेड सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर कॉल हिस्ट्री शो नहीं कर रहा है तो प्ले स्टोर में जाइए, फ़ोन सर्विस सर्च कीजिए, ठीक है, फ़ोन सर्विस को सर्च कीजिए। उसके बाद इसको जो है अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद आपको बैक करना है, सेटिंग पर जाना है। ये रहेगा दोस्तों आपका इंटरफेस। तो थोड़ा सा नीचे में जाके आपको ये ओपन करना है, ऐप एंड नोटिफिकेशन। उसके बाद जाना है सी ऑल एप्स, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है OnePlus के फ़ोन सर्विस को, ठीक है। तो कहाँ पे चला गया, चलिए ओके। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है फ़ोन सर्विस, तो उसको ओपन करना है। स्टोरेज पर जाना है, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके करते ही आपको बैक करना है और मेक श्योर सारे परमिशन आपका इनेबल रहे। उसके बाद बैक कीजिए, मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए और जाइए दोस्तों अपने मोबाइल के डायलर पे, थ्री डॉट्स में क्लिक कीजिए, कॉल हिस्ट्री आपका ये है। और यहाँ पे आप सारे के सारे कॉल हिस्ट्री जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये था दोस्तों आपका कॉल हिस्ट्री नॉट शोइंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय एनी चांस अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं तो मोबाइल को सेफ मोड पर रिबूट करके देख सकते हैं। पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, पावर ऑफ के बटन को 2 सेकंड क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओके बटन, रिबूट टू सेफ मोड, ओके कर देना, सेफ मोड पे रिबूट हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, ठीक है। सिस्टम पर जाए और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।